फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू इंडियन ब्यूटी गाइड। दोस्तों, आज एक होम रेमेडी देने वाली हूँ जो कि बहुत जाना माना रेमेडीज है। काफी हद तक आप लोग भी यूज करते हो कभी ना कभी, मैं तो यूज करती ही करती हूँ। गाइज, इस मौसम में या फिर विंटर सीजन में भी बोल सकते हो, तो हमेशा हम लोगों को एक दिक्कत होती है जो कि है डैंड्रफ होती है। तो किसी की ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो एक चीज है जो हर किसी के घर में मिलता है, मतलब कभी आप लोग जो शॉपिंग करते हो, ग्रोसरी की शॉपिंग करते हो, तो उसमें वो चीज कॉमन रहती है, उसके बिना कुछ होता नहीं है। गेस, तो गेस करो। यस, ये है नीम। बस इसको ही लगाना है और कुछ नहीं। कैसे लगाते हैं वो मैं जरूर दिखाऊंगी। दोस्तों, ये आपको पता है कि बहुत बहुत भरी हुई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इसको लगाने से आपकी स्कैल्प की जो डेड सेल है वो हट जाएगी दोस्तों। पर हाँ, इसकी थोड़ी बहुत, मतलब एक चीज मैं बता दूं, आप इनको डायरेक्ट भी लगा सकते हो और वाटर के साथ डाइल्यूट करके भी लगा सकते हो दोस्तों। तो उसमें दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसमें आप लोगों को पता है कि साइट्रिक एसिड होती है, तो वो उतना हार्मफुल नहीं है हम लोगों के हेयर के लिए। तो आप बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। और आप जब, मतलब ये जो है ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर इस ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है दोस्तों, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम आसानी से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हो, मैंने ऐसे एक नींबू लिया है और इसकी जो जूस है मैं उसको निकाल लूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, और इसकी बीच में जो शीरा रहती है उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो मैं आपकी ये जो जूस है, मैं कोई भी मिक्सर ग्राइंडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, अपने हैंड से इसको कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बस ऐसे जैसे आप नींबू की जूस निकालते हो वैसे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा जो वाटर है वो उसको मिला सकते हो, और इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने इनमें से अच्छी तरीके से जो नींबू है उसका रस निकाल लिया है। तो अब आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और उसको कॉटन की मदद से अपने हेयर में लगा सकते हो दोस्तों। तो मैंने इसे की मांग बना लिया है और मैंने अपने हाथों से ही इसको लगा रही हूँ दोस्तों। मुझे ऐसे ही लगाने में आसानी होती है। आप चाहे तो इनको स्प्रे बोतल में भी लगा सकते हो दोस्तों, उसमें भी आपको बहुत आसानी होगी। मैं ऐसे सेक्शन कर ले रही हूँ दोस्तों, इससे मुझे आसानी मिलती है। और स्कैल्प में लगाने से अब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको हेयर में नहीं लगाना है दोस्तों, सिर्फ आपने स्कैल्प में जो है उसको लगानी है बस। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, कुछ लगाने, ये जब आप लगाते हो जो नींबू होती है ना, ये लगाने के बाद कोई भी हर्श और केमिकल वाला शैम्पू यूज नहीं करना है। कोई भी माइल्ड वाला शैम्पू या नेचुरल शैम्पू या फिर आयुर्वेदिक शैम्पू, ये आपको यूज करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। ये हफ्ते में अगर आप 2-3 टाइम्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो बारी भी लगा सकते हो। तो देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। अभी मैं 10-15 मिनट के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी बस, और कुछ करना नहीं है दोस्तों। आप वीक में इसको 2 टाइम्स फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। और क्योंकि ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स है, आपको हेयर फॉल होने की भी कोई चांसेस नहीं है दोस्तों। जिसमें आपकी जो डैंड्रफ है वो अच्छी खासी रिमूव होने वाली है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी स्किन के, मतलब हेयर की जो स्किन होती है, मतलब स्कैल्प जिसको हम कहते हैं, उस पर डेड स्किन बहुत ज़्यादा जम जाती है दोस्तों। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। छोटू वाला सा रिव्यू और रेमेडी आप लोगों को पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।